काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय के छात्रों ने आज सेंट्रल ऑफिस के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लगभग 200 की संख्या में छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस के गेट पर नारेबाजी करते हुए कहा कि हमारा सेमेस्टर आधा अधूरा पढ़ाकर पूरा कर लिया गया। उसके बाद संकाय द्वारा परीक्षा के समय सारिणी भी घोषित कर दी गई। वहीं छात्र का यह भी आरोप है कि परीक्षा के दौरान एक भी दिन का गैप नहीं है, हमें पढ़ने का मौका भी नहीं मिला है। धरना प्रदर्शन करते हुए छात्र जब सेंटर ऑफिस से पहुंचे तो उनको सुरक्षा गार्डों ने अंदर जाने से रोक लिया, जिससे छात्र और भी भड़क गए और वहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने एक मांग की थी कि परीक्षा ऑनलाइन कराई जाए। धरना प्रदर्शन के दौरान एक छात्र बेहोश हो गया, जिसे लेकर तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। और सारे एग्जाम के बीच एक तो 6 महीना का सेमेस्टर 2 महीने से 2.5 महीने में कंप्लीट भी नहीं हुआ है, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है और यहाँ पे एग्जाम के लिए हो गए और एक दिन की भी गैप नहीं है। आज हिंदी की है, कल साइकोलॉजी की है, एक पॉलिटी पेपर की आज है, कल पॉलिटी की पेपर है। बच्चे कैसे देंगे ऐसे में एग्जाम? हम लोग की मांग यही है, या तो डेट एक्सटेंड कीजिए 20 दिन, हम लोग को 25 दिन के और समय दीजिए और हर पेपर पे 3 दिन की गैप देनी होगी।